तो आज हम लोग क्वालिटी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं कि वेन टू सेल अ क्वालिटी स्टॉक। ठीक है, यहाँ का फर्स्ट ग्राउंड रूल ये रहने वाला है कि भाई अच्छा स्टॉक ही हम पिकअप करेंगे, बट एट द सेम टाइम इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट कि भाई हम लोगों को कब बेचना है वो स्टॉक, है कि नहीं? क्योंकि कितना भी अच्छा स्टॉक रहे, हम लोग एक कॉफी कैन जैसे रख नहीं सकते, इन द सेंस अभी ले लिया 10 साल तक भूल जाओ, ये हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि इंडियन कंपनीज में काफी सारे मैनिपुलेशन होते ही रहते हैं, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट कंपनीज में भी थोड़े तो होते ही है, राइट? तो हम लोगों को देखना है कि एक अच्छा स्टॉक भी अगर हम इन्वेस्ट किए कौन से टाइम पे निकलना चाहिए, एंड क्या क्या ट्रिगर्स रखना चाहिए, कि क्या कैटलिस्ट होना चाहिए जिसकी वजह से मुझे लगे कि अभी हम लोग एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फर्स्ट स्टॉक जो एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो में था द टाइम व्हेन आई वाज गिविंग माय लेवल 3, ठीक है, तो 2015 के बाद, तो 2016 के आसपास जैन में मैंने खरीदा था, ये कंपनी कॉल्ड एज पेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, कंपनी वाइज इट इज अ सुपर्ब कंपनी, हर साल लिटरली कैश प्यू आउट करता है, कैश मेकिंग मशीन है वो, हर साल कैश देते रहता है, एंड बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स के पास अभी भी पेज इंडस्ट्रीज है। सो बेसिकली व्हाट इट डज इज जॉकी बेचता है, ठीक है, जॉकी ब्रांड पता है, तो उसका मास्टर फ्रेंचाइजी है उसका इंडिया में, एंड वो बेचता है। अभी उसका प्लस पॉइंट्स क्या क्या है, इतना सही ब्रांड नेम है उसका, तो कैल्विन क्लेन भी अगर आप ले लोगे उसके कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली प्राइस पॉइंट कम है, थोड़ा कम रहेगा, बट लोग उसको अच्छे लेवल पे कंपेयर करते हैं, राइट? सेकेंडली उसका एड्स भी ऐसे रहता है कि लोगों को लगता है फॉरेन ब्रांड ही है, जबकि व्हाट दे डू इज कॉकेशियन एक्टर्स को लेते सस्ते में काम हो जाता है, तो उनका कॉस्टिंग भी कम, ब्रांड इमेज भी मस्त, राइट? एंड द थर्ड थिंग इज वो लेबर्स को अपना बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, इन द सेंस लेबर्स ज्यादा छोड़ के जाते नहीं है, ये हम लोग को स्कटल बट करने से समझ में आता है, एंड ऑब्वियसली वो कैश बहुत ज्यादा, मतलब एवरी ईयर कैश कैश फ्लो पॉजिटिव रहता है उसका, राइट? हैविंग सेड दैट, मैंने ये स्टॉक 2016 में लिया था, मैं एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे नहीं पता, बट लेवल 3 दे रहा था मैं, मेरे को इतना याद है, जनवरी 2016 या फरवरी वो टाइम पे मैंने खरीदा था, जब इसका प्राइस वॉज अराउंड 13,000 के आसपास, ठीक है, एंड वो टाइम पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे उसके पहले देखो क्या था, फंडामेंटली 26% 36% 30% ग्रोथ था ये कंपनी का, राइट? जो कि बहुत अच्छा है, एंड जैसी क्या हो गया था जनवरी के टाइम पे क्या हो गया था, देखो हर क्वार्टर गिरते जा रहा था, एंड सेल्स थोड़ा नीचे आ गया 16%, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई थॉट कि यार ये अभी अच्छा वैल्यूएशन पे भी आ गया, उसका पी रेशियो भी गिर गया था, कंपनी थोड़ा डी रेट हो गया, क्योंकि अचानक देखो ना 36% 30% हो गया, एंड फिर नेक्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट थोड़ा सा कम आने लग गया था, जिसके वजह से तभी मेरे को लगा था वो पॉइंट पे मैं एंट्री लूंगा। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे एनालिसिस किए थे, तभी थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता था, बट हाँ तभी गाइडेंस मेरे को इतना पता है कि 20-25% गाइडेंस बोला गया था, कि 2016 में 16% था ना ग्रोथ, 2017 में 20-25% ग्रोथ रहने वाला है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने एंट्री लिया यहाँ पे तभी जनवरी फरवरी के आसपास, जब उनका Q3 रिजल्ट्स आया था कुछ फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च जो भी है, तभी तभी प्राइस उनका 13,000, एक्चुअली मैंने 12,000 समथिंग में एंट्री लिया था, अभी के लिए सिंपल कैलकुलेशंस रखने के लिए 13,000 का दे रहा हूँ, जबकि पी रेशियो तभी 59-60-62 के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट तभी का पी के हिसाब से मैंने खरीदा था ये स्टॉक। उसके बाद अगर आप देखोगे 20-25% का गाइडेंस दिया था कंपनी ने, एंड सेल्स भी उसका इन लाइन आया था, देखो 20-25% का गाइडेंस था तो कितना हुआ, 19% का सेल्स ग्रोथ, थोड़ा डिग्रीज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हुआ, एंड नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ा, बट हाँ अगर यहाँ पे आप देखोगे तो डिग्रीज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज उल्टा काम नहीं किया इतना, बट हैविंग सेड दैट सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा था ये कंपनी का, एंड उसके नेक्स्ट ईयर भी 20% के आसपास था। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये 19% 20% पे ग्रो कर रहा था कंपनी, कंपनी का जो सेंटिमेंट है पी रेशियो वो भी बढ़ते जा रहा था, समझ में आ रहा है, एंड वहां पे मैंने थोड़ा रेड फ्लैगिंग नोटिस करना स्टार्ट किया। ये कौन से टाइम पीरियड पे बात कर रहा हूं मैं, 2018-19 वो टाइम पीरियड पे मैंने नोटिस करना चालू किया और इन डेप्थ स्टडी करके। उसके पहले मेरे को पता था ब्रांड्स क्या क्या है, स्पीडो ब्रांड है, जॉकी ब्रांड है, वो लोग क्या क्या करते हैं, वो सब मुझे पता था, बट यहाँ पे 2018 का रिजल्ट में काफी अच्छा आया था, जिसकी वजह से उनका पी रेशियो और बढ़ गया था, एंड जैसे पी रेशियो बढ़ गया उसके बाद के क्वार्टर्स को हिट करने लग गया, उसका बाद का क्वार्टर्स इतना अच्छा नहीं आया। अगर आप नोटिस करोगे 2019 में कितना आया, देखो मार्च 2019 में कितना था, 12%, पूरा ग्रोथ गिर गया ना। अगर एक कंपनी का वैल्यूएशन कब देते, पी रेशियो क्या बताता है, सेंटिमेंट बताता है, तो जब ये 19-20% पे ग्रो कर रहा था ना, उसका पी रेशियो बढ़ रहा था,
उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स इतना अच्छा नहीं आया एंड उसका पी रेशियो 2019 के बाद गिरना स्टार्ट हुआ। अभी मेरा लॉजिक एकदम सिंपल था, मुझे इतना पता था कि एक कंपनी का सेंटिमेंट कब ज्यादा रहता है, जब उसका ब्रांड क्वालिटी ज्यादा रहता है एंड कंपनी काफी बड़ी रहती है। अभी पेज इंडस्ट्री का ब्रांड क्वालिटी था लेकिन कंपनी का साइज इतना बड़ा नहीं था। एशियन पेंट्स उससे कुछ 8 गुना बड़ा है, 7 to 8 times बड़ा है, तो एशियन पेंट्स के साथ डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर सकते हम लोग सेंटिमेंट्स का, समझ में आया। तो आइडियली हाउ इट वर्क्स इज जब मेरा सेंटिमेंट बढ़ता है उसके टुवर्ड्स उतना सेल्स का ग्रोथ भी होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने एग्जिट है ना लगभग जैन या फेब के टाइम पे किया था, मतलब ये तो मार्च 19 का रिजल्ट है, बट मैंने Q3 के टाइम पे ही एग्जिट कर लिया था। Q3 मतलब कभी का रिजल्ट था दिसंबर 31 दिसंबर 2018, उनका रिजल्ट आता है कुछ 2 महीने के बाद। तो फेब्रुवरी के आसपास मैंने देखा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था तो मैं एग्जिट किया। एंड अगर आप देखोगे मार्च के बाद से प्राइस उसका नीचे जाने को लगा, पहले ऊपर भी गया था एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका सबसे टॉप था 34,000 के आसपास। मैं एग्जैक्ट टॉप्स पे बेच नहीं पाया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने खरीदा था 13,000 में, ये स्टॉक है ना 2018-19 में ना कभी 34,000 भी पहुंचा था। मैं एक बार बता देता हूं आपको सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम लोग एग्जैक्ट टॉप्स एंड बॉटम्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट यहां पे अगर आप देखोगे ये स्टॉक 34,000 पे गया है August 18, बट तभी मैंने एग्जिट नहीं किया, मैं और रुका एक और क्वार्टर, है ना। ये Q2 का रिजल्ट्स के हिसाब से नीचे आया है, मैं Q3 भी रुका एंड उसके बाद यहाँ पे देखो गिरना स्टार्ट हो गया एंड मैंने कुछ 24,000 के आसपास बेचा है ये स्टॉक, 23-24 एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता, 23-24। मेरा अभी पॉइंट ये है कि मैंने ये स्टॉक क्यों बेचा, पॉइंट ये हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्वालिटी स्टॉक्स कब बेचना चाहिए। अगर मैं ऑल होल्ड करता तो और नीचे जाता, तो क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स था जिसके वजह से मैंने ये स्टॉक को बेचा, आज वो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ आप देख रहे हो गिर गया है, कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा हो ठीक है, अगर सिर्फ सेल्स एक साल गिरता है ना हम लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं करने चाहिए, ये मेरा थॉट है। थोड़े लोग बोलते हैं कि 2 क्वार्टर रुकने का, मैं नॉर्मली 3 क्वार्टर रुकता हूँ, 4 क्वार्टर्स भी रुकता हूँ, कभी 5 क्वार्टर्स भी रुकता हूँ, देखने के लिए कि वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है कि किसके वजह से, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे सेल्स नीचे जाने के वजह से मैंने क्यों सेल किया उसके और भी रीजंस है। तो अगर आप नोटिस करोगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स सिर्फ यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। अगेन ये इट गोज विदाउट सेइंग कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब फिर भी ये इन्वेस्टेबल कंपनी है, मैं क्यों एग्जिट किया उसका मैं रीजन दे रहा हूं। तो अगर आप देखोगे कंपनी एवरी ईयर उसका जो एबिटडा है 181 करोड़ है मार्च 13 में, CFO 87, 256 एबिटडा, CFO कितना है 75, 320 167, 376 219। अगर आप देखोगे ट्रेंड कैसे दिख रहा है, एबिटडा ज्यादा दिख रहा है और CFO बहुत कम ना। एंड ये ना 2019 में देखो क्या हो गया, 618 और 230। तो अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप नोटिस करोगे पेज इंडस्ट्रीज का 2019 का CFO यहां पे दिख रहा है, CFO कितना है 230, उसका प्रॉफिट कितना दिख रहा था 601। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इन्वेंट्री देखो बहुत सारा बिका ही नहीं है, उन लोगों ने बनाया लेकिन बिका नहीं, बराबर, ये प्रॉब्लम है ना। तो हम लोगों को तभी मेरे को ये बहुत बड़ा रेड फ्लैगिंग दिखा कि इतना ज्यादा इराटिक कैसा है, कि मतलब एबिटडा हमेशा इतना ज्यादा है, CFO हमेशा इतना कम क्यों है, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है एक हम लोग के लिए, बराबर। ऑब्वियसली अभी आप पेज इंडस्ट्रीज को कौन से सेक्टर पे देखोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं इट इज एन FMCG कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, बट अगर आप देखोगे इट इज नॉट दैट फास्ट मूविंग, इतना टाइम नहीं लगता है इन्वेंट, कभी भी देखना है ना एक FMCG कंपनी का इन्वेंट्री डेज कभी बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पे इन्वेंट्री डेज देखो आप कितना है, HUL जैसा नहीं है कि एकदम फास्ट इन्वेंट्री जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको इन्वेंट्री डेज बहुत है। तो अगर कोई आपको पूछता है तो बेसिकली एक टेक्सटाइल कंपनी और FMCG का मिक्स है, वैसे काम करता है ये, समझ में आया आपको। तो सबसे फर्स्ट सेल्स के अलावा जो मैंने पॉइंट देखा था वो ये वाला था, क्लियर है आपको कि CFO और EBITDA काफी ज्यादा डिफरेंस है, मैंने आपको बोला है कि एकदम ज्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं रहना चाहिए, वो था। उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे पसंद नहीं आया था 2017-18 के बाद मैंने नोटिस किया और मैं तभी पढ़ भी रहा था, तभी मुझे समझा कि कैपिटल एलोकेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक मैनेजमेंट के लिए। कैपिटल एलोकेशन एक सिंपल टर्म्स में बोलूं, अगर एक पर्सनल सपोज आप
आप कल्प, ठीक है, कल्प का आज की तारीख में सैलरी कितना है, सपोज वो 1 लाख 2 लाख कमा रहे, 1 लाख कमा रहे पर मंथ, उसका जो भी डिसीजन है ना, वो कैसे स्पेंड करता है, कैसे इन्वेस्ट करता है, कैसे सेव करता है, उसके बेसिस पे हम लोग एक जजमेंट लगा सकते हैं आज से 10 साल बाद वो कहाँ पहुंचेगा, राइट? एक आइडिया तो आएगा, ऑब्वियसली वो चेंज हो सकता है, बहुत सारा चीज है। सिमिलरली एक कंपनी अपना कैपिटल कैसे एलोकेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा था पेज इंडस्ट्रीज में, ये लोग है ना, स्पीडो करके एक ब्रांड है, सुना है आप लोगों ने स्पीडो? सो बेसिकली स्विम वेयर के ऊपर है। तो अभी मेरे को ऐसा पर्सनली भी कभी लगता ही था कि भाई ये इंडस्ट्री एक तो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, और ये कंपनी 2012 से अगर आप देखोगे सेल्स कितना कर रहा है, 16 करोड़, फिर 19 करोड़, फिर 23 करोड़, और उसके लिए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स बना रहे हैं। यानी कि उसके क्या कर रहा है वो, जो भी उसका जॉकी से प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट को कहाँ री इन्वेस्ट कर रहा है, स्पीडो के बिजनेस में भी री इन्वेस्ट कर रहा है, जो उतना ज्यादा सेल्स दे ही नहीं रहा है। इतना छोटा कैपिटल बेस, आप समझ रहे हो क्या, सेल्स सिर्फ 16 करोड़ है, नेक्स्ट ईयर वो आइडियली 35, 40, 50 करोड़ होना चाहिए, बट कितना हुआ है, सिर्फ 19 करोड़। एंड 2018-19 पे देखो कितना, हार्डली कुछ ग्रो किया है, 16 से 42 इज नथिंग, 42 करोड़। हाँ, 16 करोड़ से 42 करोड़, जब जब बेस कम होता है ना, तब ये बहुत फास्ट ग्रो करना चाहिए। और कंपनी टाइम एंड अगेन एनुअल रिपोर्ट में स्पीडो के बारे में बहुत डाला था, एंड क्या बोला था उन्होंने कि ये मार्केट है ना अराउंड 1500 से 2000 करोड़ का मार्केट है। तो अगर इतना बड़ा मार्केट है, तुम लोग का सेल्स बहुत कम नहीं है क्या? एंड यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ भी हुआ है, इतना छोटा सा सेल्स में नेगेटिव ग्रोथ होना इज अ वेरी बैड साइन, बैड सिग्नल, समझ में आया क्या? तो ये मेरा सेकेंड रेड फ्लैग था कि कैपिटल एलोकेशन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा कि क्यों वो लोग उसमें डाल रहे हैं जबकि तुमको दिख रहा है कि सेल्स नहीं हो रहा है, एंड 1 साल नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो ये मेरा पर्सनल रीजन था कि मुझे कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस बहुत अच्छा अच्छा है तो अच्छा लगता है, समझ में आया? उसके बाद एक और छोटा पॉइंट बोलूंगा, रॉयल्टी, रॉयल्टी का तो ठीक है, वो एक्चुअली जॉकी का तो नॉर्म है, जो भी उनका मास्टर, जो मेन जॉकी है, जॉकी इंटरनेशनल जो यूएस का है, उन लोग, ये लोग रॉयल्टी देते 5%, तो वो बीच में 6% भी हुआ था, मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था कि भाई इन्होंने बढ़ाया फिर वापस इन्होंने कम किया, तो ठीक है, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बट एक चीज जो मुझे थोड़ा ऑड लगा वो ये था कि 2014 तक है ना, वो लोग डेटा देते थे कि कितना इनरवेयर बेचा उन्होंने, कितना क्वांटिटी बेचा, ये भी अपने को पता था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने नॉर्म्स लाए कि अभी इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव दी नंबर्स, वो लोग ने नंबर्स देना बंद कर दिया, एंड रीजन साइड किया कि कॉम्पिटेटिव रीजन, जबकि वो दे सकते थे ना। उन लोग बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी बंद कर दिया, ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि यहां पे अगर आप देखोगे, दिख रहा है आपको डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, क्वांटिटी दिख रहा है, मेंस इनरवेयर कितना क्वांटिटी बिका है, ये 2014 का डेटा है। जैसे 15 का एनुअल रिपोर्ट खोलोगे वहां पे डेटा बंद, देना बंद कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है डिस्क्लोजर जितना अच्छा रहेगा ना उतना बेटर इट इज, राइट? तो वो मुझे एक छोटा सा रेड फ्लैग था, इतना बड़ा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि एचयूएल सब लोग ने भी बंद कर दिया था, ठीक है। उसके बाद एक और फाइनल रेड फ्लैग दिखा मेरे को 2017-18 वो टाइम पे, पेज गार्मेंट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ इनका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन था। अभी फर्स्ट ग्लैंस में सुनने में क्या आता है, पेज गार्मेंट्स है, मतलब पेज इंडस्ट्रीज का ही सब्सिडरी होगा, नाम से तो वही लगता है ना। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने चेक किया कि कोई सब्सिडरी कंपनी है क्या, तो इन लोगों का कोई भी सब्सिडरी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा जब ये रिलेटेड पार्टी में मैंने चेक किया, पेज गार्मेंट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है भाई, सब्सिडरी तो है नहीं इनका, मतलब इन्होंने एक और कंपनी बनाया। तो हाउ इट वर्क इज, अभी अगर मैं पेज इंडस्ट्री का ओनर है, प्रमोटर है, सब जीनोमल फैमिली है बेसिकली, ठीक है, 3 जीनोमल्स है, तो वो लोग ओन करते हैं कंपनी, उन्हीं का बेटे लोगों का कंपनी है ये पेज गार्मेंट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उनका और इनका सब्सिडरी नहीं है, अलग एंटिटी है ऑन पेपर। उन लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग है ना, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, पेज गार्मेंट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर सुंदर जीनोमल, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं ट्रेडेड गुड्स उन लोगों से। अभी मैं ये नहीं बोल रहा है कि ये फ्रॉड है, मेरा पॉइंट ये है कि पेज इंडस्ट्री से कर ही क्यों रहा है। अभी ना ऐसे सोचो, तुम लोग सब लोग इन्वेस्टर है, मैं डायरेक्टर है कंपनी का, पेज का, मेरा बेटा है जो पेज पेज गार्मेंट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड चलाता है, मेरा और इसका ना सब्सिडरी का रिलेशन नहीं है, ठीक है, वो अलग एंटिटी है, मैं एक अलग एंटिटी है, वो प्राइवेट एंटिटी है, मैं उनसे परचेस कर रहा हूँ ट्रेडेड गुड्स, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं उनसे महंगे में खरीदू, किसको बेच रहा हूं मैं, किससे खरीद रहा हूं, मेरे बच्चे से,
उसको मैंने सपोज 50 रुपए का माल है 70 रुपीज में खरीद लिया, उसको ज्यादा सेल्स दिखेगा, मेरे को लॉस होएगा, मेरे कंपनी को लॉस होएगा, तो इनकम कम होएगा और आप लोगों को नुकसान है बराबर। लेकिन उसको पैसा मिल रहा है, बराबर है ना, मतलब पेज इंडस्ट्री से पैसा जा रहा है, वो जा रहा किसको है, मेरे बच्चे को, एंड उधर से भी मैं ले ही सकता हूँ ना, तो डायरेक्टर का कुछ नुकसान है क्या, बट इन्वेस्टर का है। अगेन मैं आपको ये बहुत एक्सट्रीम केस बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ने दिया हुआ है वैसे तो कि नॉट एक्सीडिंग 200 मिलियन, मतलब 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है ये ट्रांजेक्शन। मेरा पॉइंट ये कि ट्रांजेक्शन ही क्यों करने का है, ट्रांजेक्शन ही क्यों होना चाहिए था, ये मेरा पॉइंट था कि और भी तरीके थे ना। एंड अगर आप देखोगे ये कंपनी का, अगर मैं जोबा कॉप करूं तो ये कंपनी का अगर मेन बिजनेस देखोगे ना, पेज गारमेंट्स एक्सपोर्ट, इट इज इन्वॉल्व इन फिशिंग ऑपरेशन ऑफ फिश एंड फिश फार्म्स, ऐसे दिया है जोबा कॉप में, तो आप समझ रहे हो मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग था कि भाई इतना हाई स्टैंडर्ड कंपनी में ये होना नहीं चाहिए था मेरे नजर में। एंड ऑब्वियसली इसके साथ मेन ट्रिगर तो अपना सेल्स ही गिर गया था, तो वो टाइम पे मैंने एग्जिट किया था, ये मेरा रीजनिंग था इसके लिए। तो क्या क्या था मेन रीजनिंग, क्या क्या था वो 4 रीजन मैंने बताया था। सबसे पहले सेल्स ट्रिगर हुआ भाई, 1 क्वार्टर हुआ, 2 क्वार्टर हुआ, 3 क्वार्टर हुआ, मैं कितना क्वार्टर रुक गया, 3 क्वार्टर रुका। उसके साथ साथ अगर सिर्फ ये होता ना तो शायद मैं 1-2 क्वार्टर और रुक जाता, ये भी मैं बोल रहा हूँ, बट उसके साथ साथ मेरे को ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये दिखा कि भाई एबिटडा और सीएफओ मैच ही नहीं हो रहा है, कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। फिर कैपिटल एलोकेशन प्रॉब्लम था, फिर क्वांटिटी का, चलो वो क्वांटिटी का तो इतनी बड़ी बात नहीं है, एंड लास्ट कौन सा था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जिसके वजह से ये सब रीजन एक साथ आया और मैं सोचा कि ठीक है नाउ इट्स टाइम टू रिटायर दिस स्टॉक। क्लियर है?